हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो लोकसभा में पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन वो कितना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कितना है, भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के 301 सांसद हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 49 हैं और द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके यानी उसके 24 हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है उसकी 23 हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 22 हैं, शिवसेना के 19 हैं और जनता दल यूनाइटेड के 16 हैं और 12 बीजू जनता दल के हैं जो उड़ीसा में जिनकी सरकार है, नवीन पटनायक साहब मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी बसपा के 9 हैं। आगे देखते हैं, टीआरएस के 9 सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के 6 हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 5, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 3, इंडिपेंडेंट 3 हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, समाजवादी पार्टी 3, तेलुगु देशम पार्टी 3 और एआईएमआईएम के 2, अपना दल जो सोनीलाल है उसके 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी 2 हैं, शिरोमणि अकाली दल के 2, आम आदमी पार्टी के 1 और एजेएसयू के 1, AIADMK के 1 और AIUDF के 1 और INC के 1। जनता दल सेक्युलर JDS के 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, केरला कांग्रेस 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, नागा पीपल्स फ्रंट 1, नेशनल पीपल्स पार्टी 1, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के 1। देख पा रहे हो कितनी सारी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान के 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 और विदुथलाई चिरुथलाइगल कच्ची का 1। तो ये कुल जो हैं वो सांसद सदस्य हैं लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल जिसको कहा जाता है निम्न सदन, और उच्च सदन और निम्न सदन से मिलकर हमारा संसद बनता है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेक्चर्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कैसा ये प्रयास हमारा आप लोग को लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।